तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं एक प्रोजेक्ट के ऊपर। बेसिकली एक रोहिम पाल जी है, हमारे व्यूअर आए हैं, मतलब कि स्टूडेंट्स थे, तो उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा है, तो मैं सोचा कि आप लोगों के साथ वो शेयर कर। ठीक है सर, उनका सवाल है कि वो आउटलुक के जरिए, जो हमारा आउटलुक है, इस आउटलुक के जरिए मेल करना चाहिए। तो उनके पास एक डेटा है, जैसे कि नेम, नेम के बाद मान लीजिए ईमेल आईडी है उनकी, ईमेल आईडी, उसके बाद मैसेज होगा कुछ, ईमेल आईडी और कुछ और भी चीजें हैं, जैसे कि डेट वगैरह कुछ है, डेट है, और एक है स्टेटस, राइट सर। तो उनके पास एक लिस्ट ऑफ पर्सन लिस्ट है, उनके पास लिस्ट ऑफ पर्सन है, और उनके और ईमेल आईडी जैसे कि मैं यहाँ पे देता हूँ, kumar@iptindia.com, मेरी आईडी डाल देता हूँ, एक है sujitkumar.iptindia@gmail.com और दूसरा है मान लीजिए iptdelhi1233@gmail.com। तो तीन ईमेल आईडी अपना ही डाल दिया, तो उसकी मेल किसी और का डालोगे किसी और पे मेल चला जाएगा, तो वो रिवर्ट करेगा कि क्या किया आपने मेल, तो मैं अपने पे डाल देता हूँ। और यहाँ पे स्टेटस में अप्रूव्ड या ओके कुछ भी कर दीजिए, मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। ओके अब कुछ पेंडिंग भी, तो अब मुझे मेल एक मान लीजिए एक मैसेज या एक फाइल या एक अटैचमेंट मुझे मेल करनी है इनको, इन सारे ईमेल आईडी पे। बस कंडीशन ये है कि जिसका स्टेटस अप्रूव्ड ओके या कुछ एक पर्टिकुलर स्टेटस पे ही हमें मेल करना है, राइट सर। तो चलिए इसके लिए हम आपके साथ प्रोग्राम बनाते हैं, माइक्रो के साथ एक नई चीज है, क्योंकि तो हम फंक्शन पढ़ रहे थे, हमने टर्न लिया एक नई चीज पे, ताकि आप लोगों का थोड़ा सा माइंड वॉश हो। तो हमें क्या करना है, आउटलुक के जरिए मेल करना है, जिसको हम लोग अदर एप्लीकेशन हैंडलिंग करते हैं, जिसके लिए हम जो ऑब्जेक्ट डिजाइन डिफाइन करते हैं वो ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है सर, आपने बहुत सारे इस पे देखे होंगे, क्या बोलते हैं, बहुत सारे माइक्रोज देखे होंगे जिसमें ऑब्जेक्ट का नाम ले रखा होगा, तो वही ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे दे रहा लिख रहा हूँ। यहाँ पे करता हूं मैं डिम आउट ऐप, यहाँ पे वो आउट ऐप कर देता हूँ मैं, क्या पूरा लिख दीजिए ना, आउट ऐप एज ए ऑब्जेक्ट, क्योंकि हम अदर एप्लीकेशन को इस पे असाइन करेंगे, इसलिए हम ऑब्जेक्ट देते हैं और फिर इसमें आउट मेल एज ए ऑब्जेक्ट। तो हमने दो ऑब्जेक्ट डिफाइन किया, एक हमने एप्लीकेशन के लिए डिफाइन किया, दूसरा हमने मेल को कंपोज करने के लिए डिफाइन किया। अब हम यहाँ पे करते हैं कि सेट आउट ऐप इज इक्वल टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, और इसमें हम देंगे आउटलुक डॉट एप्लीकेशन और फिर सेट यहां देंगे आउट मेल
is equal to out app मतलब एप्लीकेशन का क्रिएट सर आउट मेल का स्पेलिंग ठीक करो नहीं तो शायद वो किसी और को ना क्रिएट कर दे आउट कौन सा यहाँ पे नहीं सर हाँ सेट में सेट आउट मेल आउटमेल नहीं तो है अच्छा यहाँ पे हाँ यहाँ पे आउट आउटमेल क्रिएट आइटम और यहाँ पे हमने जीरो कर देता हूँ तो ये क्या होगा ये पहला जो है एप्लीकेशन को ओपन करेगा मतलब कि आउटलुक आप ओपन करेगा और दूसरा जो है आपका एक मेल एक मेल को कंपोज करेगा ठीक है अब यहां पे देखिए विथ आउट मेल डॉट टू डॉट सी सी डॉट बी सी सी डॉट सब्जेक्ट मैं फिलहाल ऐसे लिखता हूं इसे फिल करूंगा फिर फिलहाल मैं ऐसे लिख देता हूं डॉट बॉडी अब यहां अटैचमेंट करना है तो यहां पे लिखता है इस तरह से होता है अटैच ए डबल टी एस सी एच होता है और एम ई एन टी अटैचमेंट्स होता है तो एस डालना मत भूलिएगा डॉट एड और यहां पे आप अपना पाथ दे सकते हो जिस जहां पे आपका फाइल पड़ा हुआ है और डॉट सेंड जो होगा सबसे लास्ट में होगा याद रखिएगा और सेंड डालना जरूरी है मतलब कि आप ऊपर बीसीसी ना डाले सीसी ना डाले तो चलेगा बट सेंड नहीं डालोगे तो आपका मेल आउटलुक नहीं चलेगा ठीक है और फिर नीचे हम करते हैं कि सेट आउट मेल इक्वल टू नथिंग और इसी तरह से सेट सॉरी आउट यहां पे सेट आउट ऐप इक्वल टू नथिंग ये तो हो गए हमारी कनेक्टिविटी इस तरह से मेल भेजते हैं बट यहाँ पे अब अपने डेटा के साथ क्या करना है मुझे कि ये सबको वन बाई वन चले राइट सर सबको वन बाई वन चले तो उसके लिए हम लूप का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे इसको लेते हैं हम यहाँ देंगे फोर आई इक्वल टू चले टू टू रेंज ए 65,000 डॉट एंड एक्सलेस आ डॉट रो समझ गए और फिर कंडीशन रहेगा कि इफ रेंज और हमारा स्टेटस डी कॉलम में है तो हम यहां पे D के साथ एन परसेंट लगाएंगे I को और डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ओके समझे सर तो यहां पे ध्यान रखिएगा कि डीवीए जो होता है केस सेंसिटिव होता है तो आपने ओके कैपिटल में लिखा हुआ है तो आपका यहाँ भी कैपिटल में होना चाहिए स्मॉल में हुआ तो फिर उसको कंसीडर नहीं करेगा सर इस प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं ना हाँ इसकी अपर केस अगर ऐसी दिक्कत हो रही है आपको कि अपर लोअर हो रहा है तो यहाँ तो आप अपर केस में लिख ही दिया अब यहां पे आप कर दीजिए यू केस और फिर आपका सही जाएगा ठीक है
आप बड़े छोटे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यूकेएस नहीं लगाते हो तो बड़े छोटे का फर्क होता है। सो आप ध्यान रखिएगा इसका। अब टू के अंदर में हमारा जो मेल आईडी है वो मेल आईडी है वी कलर में, तो मैं यहाँ पे दूंगा कि रेंज वी के साथ आई डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, नहीं वैल्यू इक्वल नहीं होगा, ये आपका ये आ जाएगा। सीसी रखना है, सीसी रखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में आपको जो देना है या कहीं से उठाना है, तो जैसा मेरा ही उठाया है सब्जेक्ट भी उठा सकते हैं। और यहाँ पर अगर टू में ही मान लीजिए दो बंदों को डालना है तो कॉमा कॉमा या सर इसमें सेमी कॉलन डलेगा, दो डाल सकते हैं। ठीक है, आउटलुक में कॉमा जाएगा तो ऑटोमेटिक सेमी कॉलन में कन्वर्ट कर देगा। अब यहाँ पे हाँ, ये मुझे नीचे की लाइन नहीं समझ में आई, ये नथिंग वाली, ये क्यों लिखी? अभी बताता हूँ, चिंता मत कीजिए, नथिंग पे आया नहीं ना मैं। ओके सर। अब यहाँ पे मेल वर्ड ही हाय और फिर मैंने दे दिया वीवी न्यू लाइन, वीवी न्यू लाइन क्यों दे रहा हूँ पता चल गया? प्लीज find the attachment, या कुछ और लिखना दो, लिख दीजिए अपनी हिसाब से लिख दीजिए, फिर एंड न्यू या फिर किसी सेल में अगर लिखे हुए हो उस सेल को कॉल कर दे आप। ठीक है सर, थैंक्स एंड रिगार्ड्स एंड न्यू लाइन ये तो अच्छा रहेगा आपको कि ये सेम फॉर्मेट में आप किसी सेल पे लिख दो और फिर उसको कॉल करो। अब अटैचमेंट है तो ठीक है, नहीं नहीं तो मैं इसको हटा देता हूँ, सेंड हो गया। अब यहाँ पे आता हूँ, यहाँ अब यहाँ पे हाई हो गया ना, इसमें एक काम और कर सकते हैं, अब मैं यहाँ पे एंड वीवी टैग, अब इसमें इसमें मैं लगा सकता हूँ कि रेंज सबका नाम आएगा वन बाय वन, हाय पूजा हाय पुनीत इस तरह से आएगा। ठीक है, अभी नथिंग मतलब यहाँ पे मैं इसको नेक्स्ट आई कर, तो नथिंग करने का पर्पस ये है यहाँ पे कि हम यहाँ पे असाइन कर रहे हैं एप्लीकेशन को, कर रहे हैं ना, तो उस एप्लीकेशन को यहाँ तक खाली करते हैं, क्योंकि जब अगर अगर एक्टिविटी होती है तो अगर मान लीजिए ऑलरेडी वो है तो फिर दोबारा नहीं चलता है, तो इसे नथिंग देना पड़ता है। हालांकि देने की जरूरत नहीं है, लेकिन सम केसेस में से कि एक्सेस के साथ सिक्योर के साथ करते हो तो नथिंग लगाना पड़ेगा, वरना क्या होगा कि अगर माइक्रो रनिंग है कई बार रिपीटेड करते हो तो ऑलरेडी एक साइन होगा दोबारा साइन नहीं करेगा। सर ये एक से ज्यादा को भेजना हो तभी तो वी विल यूज नथिंग। हाँ नहीं ऐसे भी करोगे, ऐसे भी करोगे तो सिस्टम की मेमोरी को रिफ्रेश कर देता, हटा देता है। अब मैं इसको एक बार सर सिस्टम के मेमोरी में जो क्रिएट हुआ है ना इसको उसको खाली कर देता है, डिलीट। अच्छा, सर ये वीवी टैब क्यों करा, बस ये और बता दो, बॉडी में जाके वीवी टैब किया टैब के लिए, जैसे कि एक नाम लेकर टैब मारते हैं ना उसके लिए, हाय और नेम के बीच में टैब स्पेस रहेगा। ओके ओके, अब देखिए इसको रन करता हूँ, नेक्स्ट आई नेक्स्ट। अच्छा हाँ, मैंने यहाँ पे एंड इफ नहीं किया है, माफ कीजिएगा सर, ये आउटमेल की स्पेलिंग फिर से एक बार देख लो विद वाले के साथ। ओहो क्या हो क्या रहा है सर, कभी मैच नहीं था तरीके से, क्या हुआ सुबह सुबह? हाँ मिल गया,
अभी अलाउ आ रहा है क्योंकि हमने अभी इसकी सिक्योरिटी वार्निंग को आउटलुक की सिक्योरिटी वार्निंग को हमने ये नहीं किया हुआ है, देख रहे आप। दूसरा मेल हाय पूजा लिखा है, आ रहा है ना? ते बेसिकली ये होगा आपका आउटलुक के साथ भेज रहा है मेल को। हेलो सर, जैसे हाय पूजा लिखा आ रहा है, ये स्पेस ज्यादा आ रही है। नहीं, हमने हाय पूजा तो टैग दिया हुआ है, तो आप नहीं देना चाहते हो टैग तो स्पेस दे दो, स्पेस दे सकते हो। हाँ, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे है हाय पूजा, तो इसमें एक स्पेस दे दो और टैग हटा दो आप, ठीक है। और ये जो बार बार मुझसे अटैचमेंट पूछा है ना, इसके अलावा पूछ रहा है, तो ये आपको जो है ट्रस्ट सेंटर में जाके एक्सेल ट्रस्ट सेटिंग में कुछ करना होता है। माइक्रो सेटिंग अनेबल और माइक्रो सही है, अप्लाई माइक्रो सिक्योरिटी सही पे है। एक बार सर ईमेल सिक्योरिटी में जाओ, ईमेल सिक्योरिटी में, ईमेल सिक्योरिटी। इसमें भी कुछ नहीं आ रहा, ये तो सही है, कुछ इसलिए चेंज करते हैं। मैं भूल गया हूँ, मैं एक बार चेंज किया था, तो इसको बार बार जरूरत नहीं पड़ती है सर, इसलिए थोड़ा सा दिमाग से निकल जाता है। लेकिन ट्रस्ट सेंटर में ही मैंने कुछ किया था। अच्छा, मैं इसको एक बार देख लूंगा फिर बता दूंगा, ठीक है। मेरे पास डायरी में नोट किया हुआ है। सर एक ऐसा मैक्रो बन, एक ऐसा भी कुछ बन सकता है जैसे किस किस को मेल सेंड किया है उस पे यस लिखा हुआ आ जाए, जैसे मेल गया कि नहीं गया। नहीं, किस में? ये इसी मैक्रो में। हाँ हाँ सर, मतलब जैसे किसी शीट पे, एक्सेल शीट पे ही मान लो, जैसे ये आउटलुक या आप दिन भर में जितना भी मेल करते हो उसका ही डेटा भेजना चाहते हो। हाँ मतलब सर जैसे ये, चलो ये जैसे पहली आईडी पे चला गया कि नहीं गया, वो सेंट पे ये चेक करे कि ये चला गया, फिर दूसरा चेक करे कि ये मेल गया आउटबॉक्स से निकल गया, सेंट में गया कि नहीं गया, सॉर्ट ऑफ ऐसा भी। आप आउटलुक के डेटा में उसको डाउनलोड कर लीजिए, आउटलुक के डेटा को। हाँ, पूरा डेटा को वो एक्सेस भी होता है, ठीक है, मैं बता दूंगा आपको। और अगर सर हम बोले कि हाँ ये पहली मेल चली गई है, मान लो चलो आउटलुक के नहीं थ्रू एक्सेल में ही बताना हो, तो वो कैसे करेंगे? तो वो भी जैसे मेल जा रही है ना, तो यहाँ पे नीचे सबसे नीचे यहाँ पे स्टेटस ओके कर दो। लेकिन इसका काम नहीं, इसका काम जस्ट आउटलुक को दे देना है, मेल भेजना तो आउटलुक का काम है ना सर। फिर आपको आउटलुक के सेंड का डेटा लेके चेक करना पड़ेगा कि सेंड बॉक्स में गया है कि नहीं गया है, तो वो आउटलुक का प्रोग्रामिंग हो जाता है ऐसे। ओके ओके, लंबा हो जाएगा ऐसे फिर। ठीक है, ठीक है सर, तो इस पे प्रैक्टिस कीजिए, कल हम फंक्शन को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है सर, मंडे से प्लीज आप लोग रेगुलर रहिएगा, रेगुलर चलेगी क्लास।